दोस्तों तैयार हो जाइए पेट पकड़कर हंसने के लिए, क्योंकि आज हम फिर एक बार अतरंगी जानवरों के कांड लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद आपका दिन बन जाएगा। तो हमारी यह वीडियो भी काफी फनी और मजेदार होने वाली है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए आप आखिर तक जरूर देखिए। फ्री में अगर कुछ खाने के लिए मिल जाए तब उस मौके को इंसान भी नहीं जाने देते, तो जानवर क्या ही चीज है। ये तो हर वक्त खाने के भूखे होते हैं, जिन्हें अगर कहीं पर भी फ्री का खाना मिल जाए तब इनकी दावत हो गई समझो। जैसे कि यहाँ पर इस वीडियो में दो काऊ दुकान के बाहर रखे हुए खाने पर मुंह मार रहे थे, जिन्हें शॉपकीपर ने देखा और दोनों को ही वहाँ से भगा दिया, जो कह रहा होगा आए बड़े फ्री का खाना ठूसने के लिए, चलो भागो यहाँ से। जल्दी कर, जल्दी कर, अबे जल्दी कर, अबे जल्दी कर, जल्दी कर, कोई आ जाए। दूसरी बार यहाँ आया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। कुत्ते जब भी किसी नए जानवर को अपने सामने देखते हैं तब ये बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनकी वो हरकत देखने लायक भी होती है। और वैसा ही एक मोमेंट हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। इस क्लिप में हम देख सकते हैं कि एक जू में वुल्फ यानी कि भेड़िया एक दूसरे से बात करते वक्त जोर से चिल्ला रहे हैं, जिन्हें इस कुत्ता भाई ने देखा और खुद भी इनके जैसे चिल्लाने की कोशिश करने लगा। Shining in the sailing sun like a pearl upon the ocean, come and feel me. Whoa. Shining in the flow when it's a show for me, or set out to me, to me. Are you going to be a bad? हाथी इंसानों को देखकर उनके पास खाना मांगने के लिए चले जाते हैं, जैसा कि कोई बंदर खाने की लालच में इंसानों से खाना चुरा भी लेते हैं। और ये ग्राउंड हॉक जरा अलग है, वो इसलिए क्योंकि भाई को खाना ना मिलने की वजह से ये इन लोगों के साथ लफड़ा करने लगा और जबरदस्ती खाने की मांग करने लगा, जिस वजह से भाई ने तंग आकर इस भाई के मुँह में बिस्किट थूस दिया। वरना आज तो हमारा ये भाई बारा मारी करने का मन बना कर आया था। दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा। चले दुख भरी कहानी मत सुना, चल ये ले बेटा, ये भी ठूस ले। थैंक यू अंकल। इसको बोलते खौफ, भाऊ का खौफ। बिल्लियां भले ही कितनी भी मस्तीखोर हो और ये कुत्ते से पंगे भी लेती हो, मगर फिर भी इन्हें डर तो लगता ही है। और ये किसी अन्य जानवर से नहीं, और इन्हें डर किसी और जानवर से नहीं बल्कि कुत्ते से ही लगता है। उदाहरण के तौर पर आप इस क्लिप को देखें, जिसमें हम देख सकते हैं कि सारे कुत्ते किचन में सो रहे थे और ये बिल्ली इन कुत्तों को पार करके यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन इसे कुत्तों से डर भी लग रहा था, जिस वजह से ये अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है ताकि किसी भी कुत्ते की नींद खराब ना हो और इसकी वाट न लग जाए। क्या करूं? अरे भगवान, मेरी रक्षा करना। आंख बंद कर लेता हूं। राम 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 राम। इस बीच पर दो लड़कियां पानी के मजे ले रही थी और सामने से एक सील बीच के किनारे आ रही है, जिसकी ये हरकत देखकर तो यही लगता है कि बेचारी सील रास्ता भूल गई है, जो चुपचाप फिर से वहां से निकल रही थी। और ऐसा करते वक्त पीछे खड़ी हुई लड़कियां उसे देखकर डर गई और वहां से भाग निकली, जिन्हें देखकर बेचारी सील भी यही सोच रही होगी कि यार मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं और ये अभी से डरने लगी। कहां गया वे? कहाँ है ये डब्लू यार? वहाँ होगा। Come on, बमन। अबे डब्लू है यहाँ कोई? निकल बाहर। दोस्तों आपने रकून को कुछ खाते या फिर कचड़ों के डिब्बे पर खाना खोजते हुए ही देखा होगा, लेकिन अभी जो मोमेंट हम आपको दिखाने वाले हैं वो बाकियों से काफी अलग है और इसे देखकर आपको हंसी भी आने वाली है। यहाँ पर एक बिल्ली अपने काम से काम मतलब रखते हुए खड़ी हुई थी कि तभी सामने ये रकून भाई आ गया और बिल्ली को निहारने लगा, पर बिल्ली को ये बात पसंद नहीं आई, जिसने उसे चपेट देकर वहाँ से भगा दिया। उनको पहचानती हो? गूंगी हो, ब्याह हो गया है, इतना बड़ा हो गई हो, अभी तक ब्याह नहीं हुआ। तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या?
दोस्तों, अभी तक आपने किसी जानवर या फिर किसी पंछी के आपस में होने वाली मारामारी देखी होगी, जो कि बिल्कुल आम बात है और ऐसा नजारा हमें आसानी से। लेकिन क्या आपने कभी कीड़ों की लड़ाई को देखा है? शायद आपने ऐसा नजारा नहीं देखा होगा। तो चलिए अभी हम आपको ये दिखाते हैं। इस वीडियो में एक मेंटिस सामने वाली चिड़िया के साथ मारामारी करते हुए नजर आ रहा है, जिसके चलते छोटा सा मेंटिस चिड़िया पर भारी पड़ गया। तो यहाँ का दादा है तू? हिम्मत है तो मेरे थप्पड़ मार के दिखा। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।